प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते क्या हैं? तो डेफिनेशन करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन हैज एंडेड बट नॉट अ डेफिनेट टाइम। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन हैज एंडेड बट नॉट अ डेफिनेट टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन हैज एंडेड बट नॉट अ डेफिनेट टाइम। मतलब कोई भी एक्शन है, कोई भी क्रिया है, कोई भी काम है, वो हो चुका है। ओके, कोई भी काम है वो हो चुका है, बट उसकी टाइमिंग नहीं पता कि कब हुआ है, अभी अभी हुआ है, आधा घंटे पहले हुआ है, कब हुआ है, उसकी टाइमिंग नहीं पता, तो वो क्या होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ड्रंक वाटर, आई हैव स्लेप्ट। ओके, तो ये एग्जाम्पल है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने के लिए वर्ब की तीनों फॉर्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले वर्ब की फॉर्म्स करते हैं। वर्ब मतलब क्रिया, काम। काम कौन कौन से? खाना पीना, सोना, उठना बैठना, देखना बोलना, ये सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। ओके, इनको इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। एंड इनकी तीन फॉर्म्स होती हैं। ओके, तो इनकी तीनों फॉर्म्स करेंगे। तो खाना, खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट। पीना ड्रिंक। सोना स्लीप। पढ़ना रीड। रोना वीप। बैठना सिट। उठना स्टैंड। देखना सी। बोलना स्पीक। तो ये सब क्या हैं? क्रियाएं हैं, इनको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। ओके, अब इनकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ओके, वर्ब में क्या होते हैं? तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ओके, तो इसकी सेकेंड फॉर्म बनाते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड, सिंपल पास्ट, एंड ये थर्ड। ओके, तो ईट, एट, ईटन। Drink, drank, drunk. Sleep, slap, slap. Read, read, read. Weep, wept, wept. Sit, sat, sat. Stand, stood, stood. See, saw, seen. Speak, spoke, spoken. Okay,
तो ये है तीनों फॉर्म वर्ब की, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लें, ओके, क्योंकि इनके बिना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप नहीं बना सकोगे, ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही आती है ओके वर्ब की, इसीलिए अब एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का क्या फॉर्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कैसे बनता है एफर्मेटिव सेंटेंस, क्या फॉर्मूला है इसका? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हैज या फिर हैव में से कुछ एक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? ये वाली, जैसे मैंने ये बताया था ना, आई हैव ड्रंक वाटर। अब यहाँ पे ड्रिंक नहीं लिखेंगे, देखो पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक बोलते हैं ना, बट यहाँ पे क्या है, ड्रंक है, ड्रंक लिखा हुआ है। तो ये थर्ड फॉर्म है, ये देखो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है ना, ये वाली है, क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती, इसमें थर्ड फॉर्म लगती है, इसीलिए बोल रही हूँ कि ये तीनों याद कर लेना ओके, क्योंकि इनके बिना, थर्ड फॉर्म के बिना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप नहीं बना सकोगे। एंड यहाँ पे भी देखो स्लैप्ड है, बट देखो यहाँ पे क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म स्लीप होती है ना। तो देखो एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला आपको पता चल गया, पहले सब्जेक्ट, जैसे देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या आया था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, काम करने वाला, आई वी दे ही शी नेम इट ओके, तो आई। आगे है हैज या फिर हैव में से कोई एक, देखो यहाँ पे हैव लगा है। अब देखो ये भी बता देती हूँ कि किन के साथ हैव लगता है, किन के साथ हैज लगता है, आई यू वी दे इनके साथ लगता है हैव, एंड ही शी नेम इट इनके साथ लगता है हैज, ओके। अब एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला आपको पता चल गया, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला। इसमें बस तीसरे नंबर पे नॉट आ जाएगा, पहले सब्जेक्ट, फिर हैज एंड हैव में से कुछ है, फिर तीसरे नंबर पे नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। जैसे पहले हमने एग्जांपल लिया था पॉजिटिव सेंटेंस एफर्मेटिव, क्या था वो, आई हैव ड्रंक वाटर। अब इसको नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, तीसरे नंबर पे नॉट, आई हैव नॉट ड्रंक वाटर, ओके। एंड अगर इंटरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन वाला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, अगर क्वेश्चन वाला बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर, हैज हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव है ओके, तो ये पहले आ जाएंगे, हैव, आई, ड्रंक वाटर, ओके, इजी है ना। अब देखो मैं एक एग्जांपल लूंगी, आपको बताना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या फिर नहीं, ओके। I am sleeping. तो बताओ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्या आपको इसमें हैज या फिर हैज हैव में से कुछ दिख रहा है, नहीं। इसमें थर्ड फॉर्म है, नहीं, तो ये क्या नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ओके। तो देखो
क्या इसमें हैज एंड हैव में से कुछ है? नहीं है. एंड इसमें थर्ड फॉर्म है? नहीं है. तो ये क्या नहीं है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. तो क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? क्या इसमें हैज एंड हैव में से कुछ है? हाँ है. क्या इसमें थर्ड फॉर्म है? वो भी है. तो ये क्या है? इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ओके अब एक और एग्जांपल लेते हैं. ये भी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ये भी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ये भी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म है एंड हैज एंड हैव में से कुछ एक है. तो बच्चों क्लियर है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि क्या होते हैं? मैंने आपको डेफिनेशन